नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 11वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद शुक्रवार को अफसोस जताया और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आरोप लगाया कि कुछ ताकतें हैं जो अपने निजी और राजनीतिक हितों के चलते आंदोलन को जारी रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों का क्रियान्वयन 12 से 18 महीने तक स्थगित रखने और तब तक चर्चा के जरिए समाधान निकालने के लिए समिति बनाए जाने सहित केंद्र सरकार की ओर से अब तक वार्ता के दौरान कई प्रस्ताव दिए गए, लेकिन किसान संगठन इन कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े हैं। संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा चौक पर आंदोलन कर रहे 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों पर पुलिस ने जमकर लाठीबाजी। बता दें, संविदा कर्मी सीएम हेमंत सोरेन के आवास घेरने जा रहे थे, इस बीच पुलिस कर्मियों ने उसे रोका। थोड़ी बहस हुई, पुलिस द्वारा काफी समझाने के बावजूद जब संविदा कर्मी नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में महिला समेत कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। उधर लाठीचार्ज को लेकर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। खजाना खाली फिर भी ऋण माफ, बादल पत्रलेख। वर्तमान सरकार के पदभार संभालने के एक सप्ताह में ही खबरें आ गई थी कि राज्य का खजाना खाली है। वैसे में हेमंत सरकार जनता से किए वादे कैसे पूरा कर सकती, लेकिन खजाना खाली होने के बाद भी हेमंत सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया। उक्त बातें राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही। शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित किसान संगोष्ठी सह उद्यान प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल चुनौती भरा वर्ष होने के बावजूद सरकार ने 2000 करोड़ रुपये किसानों के ऋण को माफ किया। झारखंड में शुक्रवार को हुए टीकाकरण इस प्रकार हैं। बोकारो 200, चतरा 200, देवघर 200, धनबाद 100, दुमका 200, पूर्वी सिंहभूम 200, गढ़वा 200, गिरिडीह 200, गोड्डा 200, गुमला 200, हजारीबाग 200, जामताड़ा 200, खूंटी 100, कोडरमा 200, लातेहार 183, लोहरदगा 200, पाकुड़ 158, पलामू 200, रामगढ़ 200, रांची 314, साहिबगंज 200, सरायकेला खरसावा 200, सिमडेगा 200, पश्चिमी सिंहभूम 199। निजी अस्पताल खोलने के लिए बनेगी नीति। झारखंड में निजी अस्पताल खोलने के लिए पहली बार नीति बनाई जा रही है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। प्रस्तावित नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर सरकार कई प्रकार की रियायतें देगी। इसके लिए संबंधित अस्पताल के साथ राज्य सरकार MOU पर हस्ताक्षर करेगी। दरअसल राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े निजी अस्पतालों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सस्ती दरों पर जमीन के अलावा अन्य कई रियायतों के प्रावधान नीति में किए जाएंगे। पॉलिसी में बिजली, पानी व कई अन्य सुविधाओं में सब्सिडी की भी व्यवस्था की जाएगी। मजदूरों को काम देने में मनरेगा 9 माह में 935 लाख मानव दिवस का हुआ सृजन। ग्रामीण विकास विभाग सचिव आराधना पटनायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना BDO की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को मनरेगा योजना अंतर्गत मानव दिवस सृजन में बढ़ोतरी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत अस्थायी आजीविका प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने कोरोना कालखंड के बावजूद अब तक सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते 9 माह में 935 लाख मानव दिवस का सृजन हो चुका है। लक्ष्य 1100 लाख मानव दिवस सृजन का है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रों को शिक्षक विशेष तैयारी कराएंगे। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूलों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षकों को कहा गया है कि वे एक रूटीन बनाकर विषयवार विद्यार्थियों की विशेष तैयारी कराएं। बता दें, जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र को आधार मानकर तैयारी कराने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में बैठक में विद्यार्थियों की तैयारी को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद स्कूलों को तैयारी पूरी कराने का निर्देश दिया गया। पत्र में कहा गया है कि कमजोर विद्यार्थियों पर फोकस करते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा के बदले पैटर्न और संशोधित सिलेबस की जानकारी दे। आंगनबाड़ी सेविका 10 फरवरी को विधायकों के आवास पर धरना देगी।
झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका 10 फरवरी को सभी विधायकों के आवास पर धरना देगी। बजट सत्र के दौरान राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक में लिया गया। बैठक में कहा गया कि सरकार को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। संघ सेविका सहायिका को 13,184 का मान देने, सेविका को तृतीय और सहायिका को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा और पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में 75 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 48, बोकारो 1, देवघर 1, धनबाद 2, पूर्वी सिंहभूम 8, गोड्डा 2, गुमला 5, लातेहार 3, लोहरदगा 2, रामगढ़ 2, पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिले हैं। बता दें झारखंड में कुल एक्टिव केस 978 है। झारखंड में खुलेंगे 5 नए महिला कॉलेज। राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में एक एक नए महिला कॉलेज खुलेंगे। बता दें रांची, डाल्टनगंज, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग में ये महिला कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और इसका प्रस्ताव तैयार किया है। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा जाएगा। सहमति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल से आपको 25 खबरें मिलेंगी।